नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पार्ट साला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी सर, BHU पे बात हो गई, JNU बात हो गई, ये DU पे कब होगा। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे JNU और DU का अनऑफिशियल कट ऑफ का जो सीरीज है पैरेलल ले चलेंगे। यानी सुबह में JNU दूंगा और शाम में DU दूंगा, और 5 दिनों में ऑलमोस्ट कम्प्लीट कोर्सेज, और खासकर जिनका कॉमेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि मुझे ही पता चल जाएगा कि मेरे व्यूवर्स सबसे ज्यादा किस कोर्स के हैं, तो उनका वीडियो मैं पहले ले आऊंगा। बाकी लाना तो सबका है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाँ सर इस सब्जेक्ट का ले आओ, और 5-6 दिनों में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत मेहनत करना है। अभी हम लोग को तो उन यूनिवर्सिटीज का भी पता लगाना है, रिसर्च करना है, जो बहुत कम मार्क्स पर एडमिशन देता है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर कुछ गलतियां किया, लास्ट ईयर मैं बच्चों का ये वाला हेल्प नहीं कर पाया था कि मैं खुद से यूनिवर्सिटी जोड़ के ले आ। इस बार मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटीज आपको ला के दूं जहां पे कि 50, 60, 100 नंबर लाने पे भी एडमिशन हो जाता है। तो अभी तो ज्यादा बकवास नहीं करना है, मुझे अपने वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो प्लीज, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, मैं हूं निदर्शन, और सभी को बोलना चाहूंगा कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो दे रहा हूँ। काउंसलिंग की जो भी आपको चीजें जाननी है, जो भी अपडेट जानना है, आपको अपनी काउंसलिंग करानी है, आपके आपके मार्क्स बेसिस पे आपका एडमिशन जानना है, तो ये सब फ्री में मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसका पेड ग्रुप बना के रखे हुए हैं। सो प्लीज आपको बस सब्सक्राइब करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो लोगों को रिकमेंड करेगा। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि बाद में आप रिटर्न में मेरे पास ही आओगे, ये चीजें आपको चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं एकदम पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि अनऑफिशियल है, लेकिन बेस्ड किस पे है? लास्ट ईयर के कट ऑफ पे, और किस पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, और किस पे? लेवल ऑफ पेपर पे। तो समझ लो कि ये चीजें एकदम एज इट इज प्रूव होंगी जो मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे। हम लोग आज DU का LLB का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी अनऑफिशियल। ये मैंने यहाँ पे पूरे राउंड वाइज यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है, और किन किन कैटेगरीज का, तो जनरल, EWS, OBC, ST और SC। ठीक है, तो प्लीज अब मेरी बात को ध्यान से सुने, यहां से मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। DU LLB कट ऑफ अनऑफिशियल है, किसके लिए? 2024 के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का था, वो आपका 300 का था। ठीक है, आपकी स्कोर कार्ड में 400 बाई मिस्टेक NTA ने लिख दिया है, लेकिन आप अपडेटेड अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो 300 लिखा हुआ आएगा। ये कैटेगरीज है, और अनरिजर्व्ड या जनरल, जिसमें मैंने फर्स्ट राउंड कट ऑफ, यानी मेरा ये RD फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट राउंड कट ऑफ जो है वो मैंने बहुत ही मैक्सिमम स्केल अप किया है, अपने आप में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे लिखा हूं। ये उसके मार्क्स पे मैं देखा कि लगभग फर्स्ट राउंड 200 प्लस जाएगा, इसमें डाउनफॉल आएगा मैं आगे बताऊंगा। 200 ओबीसी के लिए, 185 ईडब्ल्यूएस के लिए, 190 एससी के लिए, 160 और एसटी के लिए 150। ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ में कुछ इस तरीके का, अगर आप आते हो तो फर्स्ट राउंड में ही आप बुला लिए जाओगे। सेकेंड राउंड जब आता है, ठीक है, जब सेकेंड राउंड आता है तो ये कुछ घट जाएगा, सेकेंड राउंड में ये कुछ घट जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अनरिजर्व के लिए 190, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 180, एससी के लिए 155 और एसटी के लिए 130। अगर आप इसमें आते हो तो सबसे ज्यादा सेफ हो, क्योंकि ये बच्चे सेलेक्ट DU में जरूर होने वाले हैं। थर्ड राउंड, लेकिन ये हमारे हिसाब से रेड जोन है, थर्ड राउंड, बट ये रेड जोन है, 175 चांसेस लगभग 80% है, लेकिन इधर चांसेस 90% है, इधर भी चांसेस है, लेकिन ये रेड जोन है। 175, 165, 170, 130 और 100। एसटी कैटेगरी के लोगों की जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं वो कम होते हैं, तो मैंने इसको 100 लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस 15 लिखा है, पता है किसके लिए? ये मैंने लिखा है आपके एक और ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए, और उसका नाम है BHU। ध्यान देना, ये जो लास्ट वाला मार्क्स मैंने लिखा है, अगर आप इसमें 15 जोड़ देते हो, हर में 15 अगर जोड़ देते हो, तो आपके BHU के फर्स्ट और सेकेंड राउंड कट ऑफ का भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आ जाएगी, मार्क्स निकल के आ जाएगा। तो इसी वीडियो में मैंने आपको एक उम्मीद दे दी है कि आप इस नंबर पे हो तो आप एडिशनल 15 नंबर जोड़ के आप ये BHU में भी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा, एक बात बताता हूं, जो कि मतलब मुझे लग रहा है BHU और DU के हाथ में है कट ऑफ को अप और हाई कर, अप और डाउन करना। पता है क्यों? अगर DU पहले कट ऑफ निकाल देता है तो जाहिर सी बात है कि DU का कट ऑफ हाई चला जाएगा, BHU पहले निकाल देता है तो BHU कट ऑफ हाई चला जाएगा। अब ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले कट ऑफ रिलीज करने जा रही है, लेकिन हम और आप चाहें तो इस कट ऑफ को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं
जो कि दोनों जगहों पे अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चा अगर ये डिसाइड कर ले कि हाँ हम पहले से ही डिसाइड टॉपर यानी जो टॉप 20% स्टूडेंट्स है, अगर वो पहले डिसाइड कर ले कि हम तो भाई DU ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं BHU में एडमिशन लेने के चांसेस बच्चों के बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है बच्चा दोनों जगह पेमेंट कर देता है और वो सीटें, जैसे ये जो डाउनफॉल है, ये जो इसमें फर्स्ट राउंड और सेकेंड फॉल राउंड में जो डाउनफॉल है, ये डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट राउंड का बच्चा है वो पेमेंट करके फिर DU में गया कि नहीं गया। अगर ये राउंड आता है, सपोज कि DU में ये राउंड आ गया और उसी समय BHU में भी आ गया, दोनों पैरेलल आ गया, बच्चा अगर BHU चला गया तो ये और डाउन हो सकता है। सेम अपोजिट कर दो, अगर BHU जो है उसी समय आ गया और BHU बच्चा पहले पेमेंट कर दिया तो DU का लो चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को डिसाइड जरूर करना पड़ेगा। पेमेंट जब आता है, जब फर्स्ट राउंड का पेमेंट आता है, टॉपरों को मैं बार बार बोलूंगा प्लीज आपके हाथ में पीछे के कम से कम 10% बच्चों का एडमिशन टिका हुआ है। BHU में लगभग 15 से